फ्री बिजली पानी और शिक्षा के बूते पर जनता के बीच अपनी जगह बनाएगी आम आदमी पार्टी। ये दावे करते हुए दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज किया। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तिरंगा यात्रा में शिरकत करने आए डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुकदमा मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। ताल के बदहाली में नंबर वन है, कोरोना की महामारी में नंबर वन है, किस चीज में नंबर वन है यूपी, जहाँ पे 8 साल उत्तर प्रदेश इस चीज में नंबर वन है। मैं बता रहा हूँ, अब तक आप लोगों ने सुना होगा डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार। यहाँ पे इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करने वाला एसएसपी फरार है, 302 का मुलजिम। जिस राज्य में एसएसपी फरार हो रहा है वो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी। सर, अभी अमिताभ ठाकुर को एक आईपीएस है, उनको जेल में भेजा गया, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और एक पूर्व आईजी को इस प्रकार से आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करना पूरी तरह गलत है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एफआईआर लिख दी गई है, तो यही काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुकदमा मंत्री हैं, ऑक्सीमीटर करोड़ और थर्मोमीटर में घोटाला हुआ इस सरकार में, बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला हुआ इस सरकार में, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ इस सरकार में, तो पानी चोरी से लेकर चंदा चोरी तक सारा काम तो ये कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं लोग, तो इसलिए बदलने की भी बात चल रही है यूपी में, अलीगढ़ से लेके कई शहरों के काम बदलने की जरूरत है, काम बदलने पहले। जी, अभी आपने कोरोना महामारी की बात करी, आज आगरा से शुरुआत हो रही है, अनुमति इसके बाद अभी सब बोल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद 1 तारीख को नोएडा में मनीष सिसोदिया जी की तिरंगा यात्रा है, और सिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 14 तारीख को तिरंगा यात्रा है। 14 तारीख की तिरंगा यात्रा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में इसी प्रकार की तिरंगा यात्रा चलाई जाएगी, और इस तिरंगा यात्रा के जरिए हम जनता को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि गरीब के बच्चे को स्कूल में नमक रोटी मिले मिड डे मील में। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि कोरोना की महामारी में लाशें नदियों में सड़ती रहें, लोगों को इलाज नसीब नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है कि उत्तर प्रदेश में 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था बनाने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। हाथरस जैसा कांड यही हुआ, जहां रात के 2 बजे गरीब की बेटी को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के खिलाफ आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद यह है कि गरीब के घर में रोशनी हो, 300 यूनिट बिजली उसको फ्री कैसे मिले, कैसे दिल्ली की तरह जैसे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आज आलीशान स्कूल वहां पे बनाए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्विमिंग पूल का निर्माण स्कूलों में हुआ है, एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, वो स्कूल का सपना उत्तर प्रदेश में भी पूरा हो। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, मोहल्ला क्लिनिक की तरह गांव-गांव में यहां पे क्लिनिक बने। उत्तर प्रदेश में आज ऐसी सरकार चल रही है जो कहती है गांव-गांव में श्मशान होना चाहिए, आम आदमी पार्टी कहती है गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहते। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है जिसने गांव-गांव में कोरोना की महामारी के दौरान शमशान बना दिया, और 17 में इन्होंने कहा था हर गांव में शमशान बनाएंगे। ये शमशान बनाने वाली मनहूस पार्टी है, और हम स्कूल अस्पताल बनाने वाली, फ्री बिजली देने वाली, माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने वाली आम आदमी पार्टी है, जो कानून व्यवस्था के लिए भी काम करेगी, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी के लिए भी काम करेगी। तिरंगा यात्रा 403 विधानसभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में मनीष सिसोदिया जी के अयोध्या यात्रा के बाद आयोजित की जाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा का आगाज कर रही है। आदरणीय सांसद संजय जी के नेतृत्व में, सवाजीत भाई के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता
इस तिरंगा यात्रा के साथ एक संकल्प लेगा। ये तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित हो रही है। हम सब जानते हैं कि देश के कोने में और दुनिया के कोने में कहीं भी कोई भारतीय खड़ा होता है तो तिरंगे को देख के उसका सीना चौड़ा होता है, तिरंगे को देख के उसके अंदर देशभक्ति जागती है, तिरंगे को देख के उसके अंदर देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। लेकिन हम तो सब लोग अपने तिरंगे को अपनी आन बान शान मानते हैं, लेकिन 75 वर्ष के आज़ादी के इतिहास में देश की राजनीति ने तिरंगे के लिए वो काम नहीं किया जिससे तिरंगा भी देश की राजनीति पे आन बान शान कर सके। आज हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर बेड ना मिलने के कारण सड़क पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। यह तिरंगा हमसे पूछ रहा है, हमारा तिरंगा हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई है ताकि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। आज 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत ये क्यों नहीं हो पाई है या शिक्षा का स्तर इतना शानदार क्यों नहीं हो पाया है कि पढ़ने लिखने के बाद एक किसान का, एक मजदूर का, एक आम आदमी का बेटा एक अच्छी नौकरी पा सके। मैं उत्तर प्रदेश में, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए उत्तर प्रदेश में, हमने स्कूल शानदार कर दिए। हमने कहा आके देख लेते हैं, तो मैं लखनऊ पहुंचा तो ना तो वो बहस के लिए आए, और जब मैंने कहा आप बहस के लिए नहीं आए, कोई नहीं, मैं अपने आप जाके, उत्तर प्रदेश तो सबका है, हमारा भी है, मैं लखनऊ में कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल जाके देख लेता हूँ, तो पूरा पुलिस बल लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। संजय सिंह जी और हमारी गाड़ी को वहीं रोक दिया और कहा कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप जा नहीं सकते। तो आज़ादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार क्यों है जो शर्मसार है कि दूसरे राज्य का कोई शिक्षा मंत्री आके अगर स्कूल देखना चाहे तो उसको पुलिस बल लगा के उसको रोकना पड़ता है। इससे तिरंगे की आन बान शान में कमजोरी आती है। जब कोई प्रसूता सड़क पे अपने बच्चे को जन्म देती है तो हम तो तिरंगे पे आन बान शान मानते हैं, लेकिन तिरंगे की आन बान शान में कमी तो आती है आज़ादी के 75वें साल में। आज आज़ादी के 75वें साल में अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर नून, तेल, नमक खिलाया जाता है, और जब आप में से कोई पत्रकार उसको आवाज़ उठाता है कि ये मिड डे मील का पैसा कहाँ गया, नून तेल क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों को, नून तेल रोटी क्यों खिलाई जा रही है, तो उसको 6 महीने की सज़ा दे दी जाती है, जेल में उठा के डाल दिया जाता है। तो आज़ादी के 75वें साल में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही नाकारा सरकार जो केवल विज्ञापन के दम पर चल रही है, जो केवल प्रशासन के दम पर किसी भी सवाल को कुचलने के दम पर चल रही है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वैसी एक सरकार चल रही है। तो वैसी सरकार को बदलने के लिए और साथ साथ तिरंगे की उस आन बान शान जिसके लिए हमारा तिरंगा हकदार है कि इस तिरंगे के नीचे बैठे हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हुई हर महिला को अच्छी सुरक्षा मिल सके, हर किसान को उसकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सके, इस संकल्प के साथ हम और हमारी पार्टी के लोग, हमारे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, और ये संकल्प लेंगे कि हम इस आन बान शान को, इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए आम आदमी की आन बान शान को वापस लेके आएंगे। सर, कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होता रहेगा। यूपी में अगर आपकी समाजवादी पार्टी से आप लड़ते हैं तो क्या दिल्ली की तरह बिजली मुफ्त और पानी का यहाँ भी होगा, किस तरह से आप? मेरा यही सवाल है कि इतनी ताकतवर सरकार जो प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर कुछ भी कर सकती है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं दे पा रही है, इतनी महंगी बिजली क्यों दे रही है? आज मेरा उससे सवाल है। जनसंख्या में यूपी जनसंख्या कंपेयर करें तो यूपी के बजट में भी फर्क है, यूपी के उसके बजट में भी फर्क है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानती है
जो वर्तमान सरकार है कि वो बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को कैपेबल की सत्ता चलाने में कैपेबल है? क्या बड़ी संख्या वाले राज्यों की गलती है लोगों की कि उनको उनकी चुनी हुई सरकार उनको अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकती? अभी जब चुनावी रणनीति आगे बनेगी तो आपके सामने सब चीजों का ऐलान करेंगे। आज हम तिरंगा यात्रा की बात, यादव के साथ अलायंस हो सकता है आम आदमी पार्टी का 2022 के चुनाव में? अगर हो सकेगा तो आपके सामने बात रखेंगे सर। मनीष जी 2022 का चुनावी एजेंडा क्या है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये जरूर बताइए। चुनावी एजेंडा हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए हर एक व्यक्ति को इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए कि हम आपके बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी धर्म जाति आर्थिक स्थिति जो भी हो, हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके परिवार को अच्छा इलाज देंगे, सुरक्षा देंगे किसानों को फसल की, तो ये सारा है। और इसी तिरंगे की आन बान शान को लाने के लिए आज हम तिरंगा यात्रा की दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए उस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, दंगा तो कहीं भी करे कोई भी करे उसके खिलाफ होना चाहिए। दिल्ली के अंदर दंगे हुए यार पूरे देश से। मेरे सवाल ये है, थिंक टैंक ऑफ आम आदमी पार्टी, तो एक सवाल ये है, जातिगत जनगणना की मांग हो रही है और जो एनडीए के जितने भी दल हैं सहयोगी उनके दल हैं वो भी इसमें अपोज कर रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी इस पे अपना एक स्टैंड हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आए हैं और तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तिरंगे के नीचे खड़े लोगों के हाथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया है वो इस तिरंगे की अनबान शान को कम करता है। इसी संकल्प के साथ कि हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और हम इस तिरंगे की अनबान शान को वापस लाने के लिए एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक युवा के लिए, एक उसके अंदर एक संकल्प जगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा आएंगे प्रचार के लिए, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम क्या रहेगा यूपी में? तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संजय भाई मनीष जी एक सवाल।